2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्राइट आइडेंटिटीज। इट मीन्स इसमें सही आइडेंटिटीज, सही फॉर्मूला लगाकर इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। कैसे करेंगे देखते हैं। पहला सॉल्यूशन, गिवन क्वेश्चन हमारे पास 9x² + 6xy + y² है ना। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस चीज को ध्यान से देखते हैं, है ना। 9x² इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3x⁻², कंप्लीट ऐसे लिख सकते हैं, है ना। 3×3 = 9 और x², ठीक है। प्लस अब हम इसको पहले किस फॉर्मूले पे लेंगे वो फॉर्मूला देखते हैं। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है ना। तो a² + 2ab + b², अगर हम इसको इसके ऊपर सेट कर देते हैं तो क्या होने वाला है देखते हैं। ये हो गया 3x² प्लस फॉर्मूला कहता है 2ab, तो हमने 2 ले लिया और a के जगह पे क्या है 3x, तो हमने ले लिया 3x। तो 3×2 = 6x हमारे पास आ रहा है। अब y, इट मीन्स ये हमने ले लिया ऐसे y, तो हो गया ये 6xy है ना, 3×2 = 6xy, और ये प्लस क्या हो जाएगा y का स्क्वायर, इट मीन्स b का स्क्वायर, है ना। तो अब ये फॉर्मूला आगे क्या बनने वाला है, a + b² तो ये भी हमारा बन जाएगा। a के जगह पे 3x और b के जगह y है, तो हो जाएगा 3x + y² ठीक है। अब फैक्टराइज कह रहा है, फैक्टराइज कहने का मतलब हम इसको इस फॉर्मेट में नहीं छोड़ेंगे, इसको आगे ले लेंगे, हो जाएगा 3x + y और फिर 3x + y, है ना। दो बराबर तो हमने ले लिया, फैक्टराइज हो गया, ये हो गया आंसर, है ना। हमने इसमें सुटेबल आइडेंटिटीज ये अप्लाई। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, 4y² - 4y + 1, है ना। पहले लिखते हैं 4y² - 4y + 1, है ना। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हाँ जैसे पहला वाला लिखा था, ठीक है, कोशिश करते हैं वैसे लिखने का। ये हो गया 2y² है ना। अब यहाँ पे माइनस है, तो यह कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो देखते हैं। a² - 2ab + b², अगर हम इसको ऐसा लेते हैं, इस फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करते हैं, तो कैसे होगा, ये 2y² हो गया। अब यहाँ पे माइनस, फॉर्मूला कह रहा है माइनस, हमने माइनस डाला। अब इस फॉर्मूले का 2, ये हमने 2 लिख लिया, मल्टीप्लाई a, क्या है हमारे पास 2y, और फिर b के जगह पे हमारे पास क्या है 1, ऐसे लिख सकते हैं 2×2 = 4y, और चूंकि हमने b के जगह पे 1 लिया है, ये क्या आ जाएगा +1 का स्क्वायर, है ना। 1 का स्क्वायर, 1 के ऊपर कुछ भी पावर डाल दो उसका वैल्यू क्या होना है, 1 ही रहना है ना, तो 1×2। अब इसको, अब इसके आगे क्या होना है जरा हम देखते हैं। ये हो जाएगा a - b² या फिर इसको हम लोग ऐसे a - b और फिर a - b लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे भी हो जाएगा, a के जगह पे हमारे पास है 2y और b के जगह पे है 1, तो ये हो गया इसका होल स्क्वायर, या फिर 2y - 1 और फिर दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2y - 1, ये हो गया हमारा आंसर। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड और लास्ट पार्ट भी है ये। तो थर्ड पार्ट इसका सॉल्यूशन देखते हैं, क्या हमारे पास क्वेश्चन, x² - y² / 100, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। चलो पहले इसके लिए कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे वो भी देख लेते हैं। a² - b² अगर हम इसको इस फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, ये एक बार a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा a - b, है ना, फैक्टराइज हो जाएगा। तो इसको इस फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करते हैं। तो x² ये गिवन है और ये y/100 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 10×10, इट मीन 10^2, 10 इसके ऊपर ऐसे, है ना, ठीक है। तो अब ये हो गया a² और ये हो गया पूरा b², तो फॉर्मूला क्या कहता है, a + b a - b, है ना, x + y/10 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x - y/10 और ये हो गया हमारा आंसर।
है ना फाइनल। तो हमने इसमें कौन सा अप्लाई किया, फॉर्मूला आइडेंटिटीज, हमने ये वाला अप्लाई किया है ना सुटेबल।